बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर दे, देखिए सब्सक्राइब का यहाँ पे लाल बटन है। चलिए आज हम एक धाकड़ कंपनी केमिकल से रिलेटेड, और पिछले साल ये लिस्ट हुई थी, एक साल भी नहीं हुए अभी लिस्टिंग को हुए, और एक साल से कम समय में उसने आपका प्राइस डबल कर दिया है, मतलब डबल का मुनाफा कर दिया है। और केमिकल की ज़बरदस्त कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे और आगे आने वाले समय में क्या हमको दे सकती है। लेकिन केमिकल का के एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, और उन कंपनियों में कुछ कंपनियां तो ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं, आप बहुतों को माला माल बना दिया है। तो कुछ दिनों से मैं केमिकल की कई कंपनियों की कोशिश रहती है कि वीडियोस बनाओ जिनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जिनको अपने प्रोडक्ट्स में महारत है और लीडर हैं, और वर्ल्ड वाइड जो उनका जिनका बिजनेस है, तो इस तरीके से ढूंढा जाए उन कंपनियों को, और उन कंपनियों को अपने निवेशकों या अपने सब्सक्राइबर्स के सामने मैं रखूं। तो उसी से रिलेटेड एक कंपनी है, फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2002, मुंबई बेस्ड फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ अ कंपनी इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओलियो केमिकल्स। ओलियो केमिकल्स बेस्ड एडिटिव्स एज पर क्राइसल रिसर्च रिपोर्ट, इट्स द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ओलियो केमिकल्स बेस्ड एडिटिव्स इन इंडिया एंड द स्ट्रॉन्ग प्लेयर ग्लोबली। मतलब दुनिया भर में इन दिस इंडस्ट्री, जितने भी दुनिया भर की इंडस्ट्रीज हैं वहाँ भी इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ज़बरदस्त प्लेयर है। द कंपनी प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटी प्लांट डिराइव्ड ओलियो केमिकल्स बेस्ड एडिटिव्स यूज्ड इन द फूड। जो इनके केमिकल है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फूड के प्रोडक्ट्स में, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स में, पेंट्स में, इंक कोटिंग एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इट हैज़ रेंज ऑफ 387 डिफरेंट प्रोडक्ट्स सोल्ड अंडर द फाइन ऑर्गेनिक्स ब्रांड। फाइन ऑर्गेनिक्स ब्रांड के नाम से 387 डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके बिकते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स इज द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस स्लिप एडिटिव्स इन इंडिया एंड इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्लिप एडिटिव्स इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में जो स्लिप एडिटिव्स ये बनाती है, यही लीडर है। इट्स डायरेक्ट कस्टमर्स आर मल्टीनेशनल, रीजनल एंड लोकल प्लेस मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज। जिस प्रकार से इनके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है जो इनके क्लाइंट्स हैं, एंड पार्ले प्रोडक्ट्स एंड द पेट्रोकेमिकल कंपनीज एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स ग्लोबली। पॉलीमर प्रोड्यूसर्स जो प्लास्टिक के जो पाइप्स वगैरह बनाते हैं उनमें जो इस्तेमाल होते हैं सीपीवी, एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ अभी, मेरे उस तरीके के जो पाइप्स वगैरह बनाते हैं उनमें भी ये केमिकल इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग कई प्रोडक्ट्स के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। द प्लास्टिक एडिटिव्स एंड स्पेशलिटी एडिटिव्स आर आल्सो यूज्ड इन द पैकेजिंग ऑफ फूड्स एंड अदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो जैसे कि डेली यूज़ में जो कुकिंग वगैरह के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पॉम ऑयल, सनफ्लावर, कोकोनट बेस्ड, क्योंकि एनिमल बेस्ड जो केमिकल नहीं लेते ये लोग, वेजिटेबल ओरिजिन प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं जिसको ये लोग ग्रीन एडिटिव्स कहते हैं। 1970 से सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो भी बिस्किट, चॉकलेट या कन्फेक्शनरी के ब्रेड्स वगैरह में जो प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं कि केमिकल इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो कलर के लिए हो, चाहे खाने पीने में सुगंध के लिए हो, चाहे वो टेस्टी बनाने के लिए हो, ऐसे केमिकल ये बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, बेसिक मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपको लगता है और भी इस कंपनी के बारे में जाना तो ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट पर आप भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आज का भाव देखते हैं क्या चल रहा है। फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जून 21, 2019 12:29 और 1370 रुपये के भाव पे BSE पे ट्रेड हो रहा है करंटली। साल का जो लो था 735, इसलिए कि अभी एक साल पहले लिस्ट ही हुआ था, एक साल भी नहीं हुए, और 1651 का हाई था। ये देखिए चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो करीब करीब 2 जुलाई 2018 के आसपास इसका 815 रुपये भाव था, लो बनाया था 735। तो इस प्रकार से ये हाई बनाया, धीरे धीरे चढ़ता हुआ, और आज काफ़ी प्रॉफिट है जिन्होंने पैसे उस समय डाले होंगे। मार्केट कैपिटल है 4,246 करोड़ की, अर्निंग पर शेयर है 42.08 की, पी रेशियो है इसका जो 32.91 की, बुक वैल्यू 165 और प्राइस टू बुक है 8.35 की, फेस वैल्यू 5 की है, डिलीवरेबल है ज़बरदस्त 68% के आसपास, और इंडस्ट्री पी है 17.40 की। अगर हम यहाँ पे इनके
क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, दिसंबर 2018 में जो नेट सेल्स थी इनकी 269 करोड़ के आसपास की, मार्च 2019 में हो गई 278 के, दैट इज गुड बिकॉज ग्रोथ है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट में देखें तो जहां दिसंबर 2018 में 33 करोड़ के आसपास थी, वहीं हो गई मार्च 2019 में 26 करोड़, जो कि कम हो गई। तो क्वार्टर के रिजल्ट ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट में इनकी डाउन साइड है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो जहाँ मार्च 2018 में 269 करोड़ के आसपास थी नेट सेल्स, वहीं मार्च 2019 में हो गई 284 करोड़ की, यानी 5.36% की अपसाइड है। लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पे जहाँ 34 करोड़ मार्च 2018 में थी, वहीं मार्च 2019 में हो गई 26 करोड़ के आसपास, जो कि 22.53% की डाउन साइड है। लेकिन मार्जिन यहाँ पे इन्होंने मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं। तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में डाउन साइड और क्वार्टर में भी डाउन साइड, तो इस वजह से थोड़ा इस पर दबाव भी पड़ेगा। और शेयर होल्डिंग में तो प्रमोटर्स के पास ज़बरदस्त 75% के आसपास इनके पास खुद की प्रमोटिंग वो शेयर होल्डिंग है, और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है यहाँ पे। इंडिविजुअल बहुत ही कम है, 2.33% के आसपास, जबकि FIIs 5.52% की है, और इस म्यूचुअल फंड्स ने भी काफ़ी ज़बरदस्त होल्डिंग बनाई हुई है, 14.35% के आसपास है। तो म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी भरोसा है, और देखिए ज़बरदस्त होल्डिंग है इनकी। तो इस प्रकार से केमिकल से रिलेटेड मुझे अभी तक कई कंपनियों के बारे में रिव्यू दिया, और मुझे ये भी कंपनी शानदार लग रही है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स में, कुछ प्रोडक्ट्स में तो ये खुद ही लीडर है वर्ल्ड वाइड, चाहे वो एडिटिव्स फॉर प्लास्टिक, एडिटिव्स फॉर फूड, एडिटिव्स फॉर रबर, एडिटिव्स फॉर कॉस्मेटिक्स एंड फार्मा, एडिटिव्स फॉर पेंस एंड इंक्स, एडिटिव्स फॉर टेक्सटाइल, एडिटिव्स फॉर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस, ब्रोशर्स फॉर फूड। तो इस तरीके से इनके ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी एक साल में करीब करीब इन्होंने डबल ही कर दिया है, लेकिन लंबे समय के जो निवेशक हैं वो चाहे तो थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, अगर जिनको ये कंपनी पसंद है, जिनको ये स्टॉक पसंद है, क्योंकि अभी इनकी बहुत ज़्यादा इनकी हिस्ट्री उस तरीके से नहीं है रिटर्न वाइज कि मैं दिखा सकूं। बाकी कंपनी तो काफ़ी पुरानी है, 1970 से काम कर रही है। तो आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इनकी सेल्स ग्रोथ रहेगी, रिटर्न ऑन इक्विटी रहेगी, उस तरीके से हो सकता है भविष्य में अच्छा पैसा बना के आपको दे सकती है। तो इस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। केमिकल से और भी कई कंपनियां हैं, और बता दूं कि जो पीयर कंपनी है तो डोमेस्टिक में इनके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जिस प्रकार से इनके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल में यूके यूएसए में है, तो वहाँ भी इनका हेल्दी कॉम्पटिशन, और डोमेस्टिक में इनको 35% की रेवेन्यू नेट सेल से, और 65% के आसपास ग्लोबली इनको रेवेन्यू आता है नेट सेल से, तो ज़बरदस्त है। चलिए मैं वीडियो अपना यहीं पे वाइंड अप करना चाहूँगा। फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक बार फिर से याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।